तो बच्चों अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट परम्यूटेशन और अरेंजमेंट को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड एजुकेशन। सबसे पहले तो इसमें लेटर्स हम गिनते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसिस्ट ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। अगर हमारा 9 लेटर्स हैं और इनको सबको अरेंज करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें कम चाहिए इसमें से डिजिट्स, तो 9 वेज फर्स्ट वे फिल होगा फर्स्ट प्लेस, 8 वेज में सेकंड वे एंड सो ऑन, तो 9 फैक्टोरियल इसका आंसर बनेगा। सेकंड केस में स्टार्ट्स विद ई एंड एंड्स विद एन। अगर ये स्टार्ट करते हैं ई से और एंड करते हैं एन से, तो हमारे पास टोटल बीच में 7 प्लेसेस बचते हैं और 7 ही हमारे पास जो है लेटर्स बचेंगे जिसका आंसर रहेगा 7 फैक्टोरियल। थर्ड केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, जो कि है लेटर जो कंटेन कर रही है स्ट्रिंग, दैट इज कैट। सी ए टी जो है वो अक्कर हो रहा है टुगेदर, मतलब जब भी लेटर बनेगा ई बी यू सी ए टी हमेशा एक साथ रहेगा, जो कि आपस में भी शफल नहीं हो सकता, सी ए टी आई ओ एन। अब हमारे जो टोटल लेटर्स हैं वो बिहेव कर रहे हैं 1 2 3, ये हमेशा 3 लेटर्स का एक ग्रुप जो है वो हमेशा साथ रहेगा 4 5 6 7। अब इसको एक ग्रुप मानते हम करते हैं कंसिडर, तो ये एक फोर्थ लेटर की तरह एक्ट करेगा 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर्स बिहेव करेंगे और तीन जो प्लेसेस हैं उनको भी हम एक स्ट्रिंग बना देंगे, वो भी एक प्लेस की तरह एक्ट करेगा, तो हमारे टोटल वेज इस केस में रहेंगे 7 फैक्टोरियल्स। अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट केस व्हेन हैविंग लेटर्स सी ए टी अकरिंग टुगेदर। अब जरा समझिए स्ट्रिंग और अकरिंग टुगेदर में क्या फर्क है। अब तक हम कर रहे थे सी ए टी को एक स्ट्रिंग मान के, मतलब ये ए सी टी आपस में अरेंज नहीं हो सकता, मतलब ए सी टी भी पॉसिबल नहीं है, टी सी ए भी पॉसिबल नहीं है। अब बट अगला केस जो है इसमें अकरिंग टुगेदर में हमारे पास जो है ये पॉसिबिलिटी है कि सी ए टी जो है आपस में भी अपना शफल कर सकता है। सबसे पहले तो हम सेम जो पिछला केस था स्ट्रिंग वाला वो मान के इसको अरेंज करते हैं, दैट विल बी इन 7 फैक्टोरियल। अब जो सी ए टी वर्ड है ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, लाइक सी ए टी सी टी ए ए सी टी ए टी सी टी सी ए टी ए सी, जो कि है 3 फैक्टोरियल वेज, तो टोटल ये 3 फैक्टोरियल वेज में पॉसिबल है अरेंज होना, तो ये एंड के केस में आएगा, तो ये हो जाएगा टोटल हमारे पास 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट केस इज स्टार्ट्स एंड एंड्स विद वॉवल्स। तो सबसे पहले हम गिनते हैं इसमें वॉवल्स कितने हैं हमारे, ई यू ए आई ओ, तो हमारे पास 5 वॉवल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास, जिनमें से ये कहते हैं कि फर्स्ट और लास्ट प्लेस जो है वो वॉवल से फिल होनी है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज 4 वेज एंड लास्ट जो है वो 5 वेज और लास्ट जो है 4 वेज पे फिल हो सकता है, तो बीच में हमारे पास बचते हैं 7 जगह, तो 7 जगहों में हमने कितने लेटर्स फिल करने हैं वो भी हमारे पास 7 है, तो टोटल वेज 5 × 4, ये देखिए फर्स्ट और लास्ट इनटू जो 7 प्लेस और 7 ही हमारे पास लेटर्स हैं उनका आंसर होता है 7 फैक्टोरियल। तो ये टोटल 5 × 4 × 7 फैक्टोरियल वेज में हमारा ये आंसर आता है। लास्ट केस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस विच इज कॉल्ड गैप मेथड, व्हेन वी वांट हैविंग नो 2 वॉवल्स अकरिंग टुगेदर। हम कोई भी 2 वॉवल्स इकट्ठे नहीं चाहते, हमारे पास टोटल 5 वॉवल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इस लास्ट केस को हम कहते हैं गैप मेथड। जब भी हम कभी चाहते हैं कि 2 चीजें इकट्ठी ना हो उसको हम कहते हैं करते हैं गैप मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले जो हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट्स है इनको हम प्लेस कर देते हैं अपनी पोजीशंस पे, डी सी टी और एन, ये 4 कॉन्सोनेंट्स हमने जो है 4 प्लेसेस पे फिल कर दिए। अब इनको आपस में अरेंज करने के वेज कितने हैं, 4 फैक्टोरियल वेज। अब ऐसा करने के बाद हमारे पास 5 गैप्स क्रिएट हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 गैप्स में हम 5 कॉन्सोनेंट 5 वॉवल्स को जो है प्लेस कर सकते हैं, और कितने वेज में कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज में। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड गैप मेथड एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।